नमस्कार लाइव इंडिया न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्मेंद्र और हमारे साथ हैं फॉर्मर जज राजेश टंडन साहब। आई जानते हैं न्यायमूर्ति राजेश टंडन जी से आखिर सीबीजे पॉलिसी क्या विशेषता है और वो दूसरी बार आ रहे हैं बच्चों को क्या पसंद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज सर यहाँ पर प्रोग्राम है, क्या कुछ संदेश है? मेरा संदेश यही है कि लॉ की डिग्री अब इतनी आसान नहीं रह गई है। जो बच्चे भी आते हैं उन्हें वार्म अप करना जरूरी होता है कि लाल उन्होंने लिया है तो ये पुस्तकें उनको लाइफ भर काम आएंगी। जब तक वो रहेंगे तब तक वो लॉ की पढ़ाई में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व रहेंगे और उनको चाहिए कि वो जितनी भी पुस्तक AIR आते हैं, सुप्रीम कोर्ट केसेस आते हैं, सब आते हैं, वो पढ़ते रहें। क्योंकि कब किस वक्त कौन सी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है ये पता नहीं होता है। एडवोकेट ऐसा रास्ता होता है कि उससे सब लोग सब तरह की एडवाइस लेते हैं, तो उसको सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और CP जैन के लिए आज यहाँ जैन फैमिली ने जो ये कॉलेज बनाया है उसके लिए उसको खुद बहुत बधाइयाँ हैं। वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, दूर जरूर है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। जितनी लेडीज़ हैं यहाँ पर वो सब बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और इतना मान देती हैं कि एक इनकी फ़ोटो मैंने लगा के रखी थी। एक बार इन्होंने हमको तिलक भी लगाया था, वो भाई बनने के दिन मैं लगा देता हूँ। जब भी हमारे बहनें आती हैं मैं कहता हूँ देखो इस तरह के तिलक लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। सर ये कहना चाहेंगे जिस तरह से लॉ में अब काफ़ी कुछ व्यवसायिकता भी आ गई, काफ़ी बढ़ गए हैं, रोजगार के भी साधन बढ़े हैं, ऐसे कई कॉलेज भी खुले हैं, तैयारी कराना और उनको HJS की तैयारी कराना इसके लिए बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि बच्चा जब पढ़ के जाता है तो लाखों रुपया फूटता है, तो इसलिए ये सब तैयारियां मेरे समझ में एक बार मैंने बताया था यहाँ पर, तो CP जैन में ये सब प्रथा शुरू हो गई है और मैं चाहूँगा कि उनको सेल्फ बना दिया जाए जिससे कि वो कहीं इधर उधर ला पढ़ने के बाद भटक नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तो ये थे हमारे साथ राजेश टंडन सर, खास करके जो बता रहे थे कि अभी जिस प्रकार से लॉ के पढ़ाई में क्या कहीं से विविधीकरण है और ऐसे में इस विविधीकरण में नए पाठ्यक्रम की जो जरूरत है जो CPG को कहा गया, CPG ने इसे लागू किया है, यही इसकी विशेषता है। हेमेंद्र साथ मानू। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।